दिल्ली में पानी को जो लेकर हाहाकार है, वो दिल्ली सरकार के भ्रष्ट प्रशासन का खेल है। अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली में पानी का क्राइसिस है, वरना हरियाणा तो 1049 क्यूसेक पानी पूरा दे रहा है। जैसे ही पानी दिल्ली आता है और वहाँ से जब डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है, 53% से ज़्यादा पानी वहाँ वेस्ट होता है। इनके डिस्ट्रीब्यूशन वाटर मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। इन सबको पता था कि मई जून में भयंकर गर्मी पड़ने वाली है, पानी का क्राइसिस आएगा, उसके लिए समर एक्शन प्लान पर काम क्यों नहीं किया? क्यों मार्च के अंतिम सप्ताह में मीटिंग हर साल होती थी, इस बार क्यों नहीं की गई? वजीराबाद बैराज जहाँ 11 साल से सफाई नहीं हुई, इतनी मोटी गाद जम गई, जहाँ 93.5% पानी स्टोरेज किया जा सकता है, क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि आप चाहते ही नहीं कि दिल्ली को पानी मिले, क्योंकि टैंकर माफिया को बढ़ाने का काम, टैंकर माफिया से पैसे खाने का काम, टैंकर माफिया के थ्रू पानी बेचने का काम आप और आपके विधायक करते हैं।